Hello, friends, and welcome to the exams made simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of June 2021. तो आज का न्यूज एनालिसिस थोड़ा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन सम ऑफ द समर्क ड्यूटी थी आई इन ड्यूटी एंड देर फोर आई कन नॉट मेक द वीडियो इन द मॉर्निंग सो एनीस आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो नाउ लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन पहला सवाल है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ओलिविया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ऑपरेशन वॉज इनिशिएटेड इन द अर्ली नाइनटीन एटीज एंड फॉलोड एवरी ईयर बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द ऑपरेशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिटली टर्टल्स एज द कांग्रीगेट अलॉन्ग द ओडिशा कोस्ट ठीक है ना आपको

दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस प्रेजेंटली लिस्टेड अंडर द एथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वन ओनली टू ओनली बोथ या नन क्वेश्चन नंबर थ्री इज वर्ड गिविंग इंडेक्स वर्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में आपको बताना है कि किसने पब्लिश किया है ऑप्शन आर ए ऑक्सफैम एमनेस्टी इंटरनेशनल सी चैरिटीज एड फाउंडेशन या डी ग्रीन पीस इंटरनेशनल तो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप इनके आंसर्स करने की कोशिश करिएगा ठीक है ना आज का मेन्स क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए क्रिटिकली एनालाइज द रोल क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ अमेरिका इन द डिटीरियोरेशन ऑफ अफगानिस्तान पीस क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ अमेरिका इन द डिटीरियोरेशन ऑफ पीस इन अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में पीस ख, कम होने का या खत्म होने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो अमेरिका को जाता है तो इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे दिस इज द क्वेश्चन टू यू प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन में लो आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइएगा स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट जो फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ए वाई वन वेरियंट तो अब ए वाई वन न्यूज में था मैं आपको बता देता हूँ ए वाई वन ए वाई वन ये न्यूज में लिखा रहता है अगर ये न्यूज में लिखा आता है तो ये क्या है एक्चुअली इट इज द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ कोविड वायरस तो कोरोना वायरस का ही ये कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट का भी अपग्रेडेड वेरियंट है ठीक है ना नाउ अगेन कोरोना वायरस जो है ऑब्वियस बात है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल का जैसे वो अपग्रेडेशन वाला पार्ट इवोल्यूशन वाला पार्ट होता है जिसको डार्विन ने, डार्विन ने कहा था सर्वाइवल तो तो डिपेंड पे भी, भी करता है कि कितना जल्दी ये इवॉल्व कर लेते हैं है ना अब ठीक है ऑब्वियसली वैक्सीन बनी है तो नाउ वॉट दे आर डूइंगट अगेन दे आर दे आर अगेन इवॉल्विंग नाउ दे आर क्रिएटिंग द अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ द डेल्टा वेरिएंट जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जाता है तो ए वाई वन अगर आपसे कोई पूछे ए वाई वन वेरियंट क्या है तो इट इज द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस ठीक है ना तो इसको याद रखेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट टू बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट टू दिस इज द डेल्टा वेरिएंट इसको ही डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं ठीक है बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट टू जो है ये डेल्टा वेरिएंट है और इसका जो अपग्रेडेड पार्ट है उसको डेल्टा प्लस या ए वाई वन ए वाई पॉइंट बोलते हैं ठीक है ना तो याद रखेगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम अगली है जलगांव बनाना जलगांव बनाना न्यूज़ में क्यों था बिकॉज इसका कंसाइनमेंट जो है वो दुबई को भेजा जा रहा है द कंसाइनमेंट इज बींग सेंट टू दुबई एंड जो जलगांव बनाना है दिस हैज बिन गिवेन अ जी आई अटैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको दिया जा चुका है एंड फॉर दैट रीजन इट वॉज इन न्यूज़ जलगांव बनाना ऑब्वियसली बात है अगर आपसे कोई पूछे किस स्टेट का जी आई टैग है तो ये ऑब्वियसली बता कॉमन सेंस है आपका ये महाराष्ट्र का जी आई टैग है सो दिस इज द जी आई टैग ऑफ महाराष्ट्र एंड ये आप याद रखेगा जलगांव बनाना जो है दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र तांडा तांडालवाड़ी विलेज है वाड़ी विलेज है वहाँ पे वहाँ का है जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड है ठीक है ना जीआई टैग की वैल्यू आपको पता है कि ये स्पेसिफिक एक किसी लोकेशन में ही होते हैं इनको दिया जाता है ठीक है ना तो दैट इज़ द जीआई टैग बेसिकली फॉर यू बनाना याद रखेगा अगली न्यूज जो है वो है रिगार्डिंग अ रिपोर्ट यूनाइटेड ये यूनेस्को की एक रिपोर्ट है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट बोलते हैं इसको यूनेस्को साइंस रिपोर्ट अगर आपसे कोई पूछे अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखने का है उसे बोलते हैं यूएसआर अगर आपसे कोई पूछे कि यूएसआर क्या है तो ये है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट सबसे बड़ी क्वालिटी जो है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट की वो ये है कि अभी पब्लिश हुई है ग्यारह जून दो को एंड इसका जो नाम था इस बार वो था रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट क्या नाम था इसका रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट दिस वॉज द रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट रिपोर्ट का नाम था, तो रिपोर्ट का नाम था. जो दूसरा uh, आपको याद रखना है निकाली तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस इन एवरी फाइव तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जो रिपोर्ट है इट इज अ रिपोर्ट ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर ये रिपोर्ट है तीन बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिए इसको यूनेस्को साइंस रिपोर्ट कहा जाता है इस बार की इस बार की रिपोर्ट का नाम है रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट और ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है किसका यूएन का है एंड ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर कोट करता है कमेंट करता है ठीक है ना तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज थिंग्स एज वेल रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम आपको याद होना चाहिए अगली जो न्यूज है वो है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि एस डी एस एन एस डी एस एन तो यूनाइटेड नेशंस का है ये पता होना चाहिए आपको यू एन इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस के रिगार्डिंग है तो वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना वो भी यही निकालता है तो एस के बारे में एक चीज और याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर आपसे कोई पूछे कौन निकालता है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आपका यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि यू एन ही निकालता है तो ये याद रखेगा कि इसने ही एस ने एक रिपोर्ट निकाली इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अब इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि इसने एस इंडेक्स को और एस डैशबोर्ड्स को इंक्लूड किया ठीक है ना तो याद रखेगा एस SDG index and SDG dashboard. और ये जो ईयरली रिसोर्स है ये प्रोवाइड करता है ट्रैक करता है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स की प्रोग्रेस ऑन द सेवनटीन एस डी जीज वन सिक्सटी नाइन टारगेट्स सत्रह एस डी जी और वन सिक्सटी नाइन टारगेट्स पर ये जो आपके यू एन मेम्बर्स हैं उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये पहली एस डी जी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है एस डी जी की प्रोग्रेस में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डिक्लाइन देखने को मिला है एंड ये डिक्लाइन क्यों हुआ है कॉमन सेंस वाली बात है कि कोविड पॉवर्टी एंडमेंट मतलब कोविड के कारण जो पॉवर्टी आई है हंगर आया है कोविड के कारण जो आया है काफी चीजें उस कारण से हुई है ठीक है ना अगर आप अगर एसडीजी अगर आप याद हो तो अगर आपको पहला एसडीजी याद हो तो पहला एसडीजी क्या है पॉवर्टी पॉवर्टी रिगार्डिंग है पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए जीरो पॉवर्टी फिर है जीरो हंगर सेकेंड वन इज जीरो हंगर तीसरा है एजुकेशन के रिगार्डिंग ठीक है ना तो इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे तो पॉवर्टी हंगर और यही सब कारण है कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक रीज़न है ही कोविड कोविड नाइन्टीन का तो ये सारे रीजन्स हैं जिस कारण से एस में प्रोग्रेस नहीं हुई एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एस डी आए कब थे दो पंद्रह में आए थे कब तक के लिए आए थे 2030 तक के लिए आए थे तो 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है एस की रिपोर्ट में एस इंडेक्स में जिसमें कि प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली है ठीक है ना एस डी एस एन जो काम करता है इट इज एक्सपर्टाइजिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखेगा एंड दिस रिपोर्ट वॉज रिटन बाय जेफरी शैक्स तो ये रिपोर्ट लिखी किसने थी जेफरी शैक्स ने ये रिपोर्ट लिखी थी यहाँ पे लिखा हुआ है याद रखेगा एज वेल एज क्रिश्चियन क्रोल क्रिश्चियन क्रोल एंड जेफरी शैक्स याद रखेगा एंड दिस ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिपोर्ट शोज फॉर द फर्स्ट टाइम रिवर्सल इन द प्रोग्रेस मतलब कि हमको डाउनग्रेड देखने के रिग्रेसिव uh, uh, मतलब देखने को मिला है ना कि प्रोग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ इस बार ये दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर ठीक है ना इसको याद रखेगा एंड इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स अगर मैं आपको बता सकूँ तो ये रिवर्सल क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया है

डी एस एन ने निकाला है कहां में निकाला है तो ये एस डी जी प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये चीज़ के बारे में बताया गया तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम दीज थिंग्स आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं ए वाई डॉट वन नॉट नॉट अ वेरियंट ऑफ कंसर्न येट एस सेंटर ने कहा है एंड दिस वेरियंट इज ऑल हैज ऑलरेडी बीन फाउंड इन महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तो ए वाई वन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था यहाँ पे देखो लिखा है बी पॉइंट वन पॉइंट सिक्स वन सेवन पॉइंट टू पॉइंट वन जो है uh, ये है एंड दिस इज द थिंग विच इज देर एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा प्लस वेरियंट इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा प्लस वेरियट और यहाँ पर देखो लिखा इट हैज़ अ म्यूटेशन जिसको हम के फोर वन सेवन एन बोलते हैं इसका म्यूटेशन क्या कहलाता है के फोर वन सेवन एन जिसको प्रीवियंसली आइडेंटिफाई किया गया था इन द वीटा वेरियंट तो के फोर वन सेवन एन भी है इसका इसका म्यूटेशन तो दैट इज द थिंग विच इज देयर यू कैन रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट आप याद रख सकते हैं मूव करते हैं मैप ऑफ द डे में आते हैं मैप ऑफ द डे में जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं वो जर्मनी का मैप दिखा रहा हूं एक तो जर्मनी का यूरो कप में कल मैच हुआ था जिसमें वो फ्रांस से हार गए जीरो ओन गोल हुआ हमल से एंड जर्मनी गॉट डिफीटेड अनलकी फॉर देम तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं जर्मनी का एंड दिस इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ नदन यरप नदन योरप के यहाँ पे आप पार्ट है देख सकते हैं ये जर्मनी वाला पार्ट है बीच वाला पार्ट जो है जर्मनी का पार्ट है कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिजिकल फीचर्स जैसे कि यहाँ पे राइन रिवर दिस इज द राइन रिवर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और राइन रिवर वैली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज राइन रिवर वैली तो अगर आपसे राइन रिवर के बारे में कोई पूछू तो आपको जर्मनी पता होगा देन इसके अलावा वो वोजल्स वर्ग माउंटेन वोजल्स वर्ग माउंटेन यहाँ पे हर्ज माउंटेन हर्ज माउंटेन

वोजल्स माउंटेन मैंने आपको बता दिया एंड यहां पे आप एल्प्स का नाम बेवेरियन एल्प्स के नाम से याद रख सकते हैं बेवेरियन एल्प्स ही आपका किसका पार्ट है जर्मनी का पार्ट है ठीक है ना दैट इज अथिंग हर्स हर्ज माउंटे मैंने आपको बताया हर्ज माउंटेन दैट इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हर्ज माउंटेन याद रखेगा हर्ज माउंटेन इज दैट पार्ट ठीक है इसको याद रखेगा एंड इसके अलावा यहाँ पे वाटर बॉडीज में देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ये ऊपर आप बेल्टिक सी दिख रहा होगा है ना एंड यहाँ पे पोमेरनियन बे भी दिख रही है पोमेरेनियन बे दिख रहा है ना पोमेरेनियन बे भी आप याद रखेगा दैट इज अगेन देयर इंपॉर्टेंट है और पोमेरेनियन बे जो है दैट इज इन बैल्टिक रीजन एंड यहाँ पे जर्मनी आप देख सकते हैं ठीक है फिर यहाँ जर्मनी और डेनमार्क के बीच में किएल बे है.

इंपॉर्टेंट ये देखो यहाँ पे ये राइन रिवर भी इंटर कर रही है देखो तो यहाँ पे पे राइन राइन रिवर रिवर का भी यहाँ पे है रिवर आप देख सकते हैं ठीक है तो इसको याद रखेगा एंड दीज आर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल पार्ट में आते हैं जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अमेरिकाज मिस्टेक्स इन द फॉरेवर वॉर अब फॉरेवर वॉर सबसे पहले किसको कहा गया है तो फॉरेवर वॉर कहा गया है अमेरिका का जो वॉर ऑन अफगानिस्तान था कि अफगानिस्तान में हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे उसका जो वॉर हुआ वहां पर तालिबान से पहले पे है ना इन सब चीजों से तो वो कहलाता है फॉरेवर वॉर क्योंकि कभी खत्म ना होने वाला वॉर है तो इसमें अमेरिका ने कहाँ कहा, क्या क्या, क्या गलतियां की उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है तो पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई यूएस वो ये हुआ कि यूएस वेंट इन टू अफगानिस्तान विदाउट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द कंट्रीज हिस्ट्री अफगानिस्तान की हिस्ट्री को जाने बिना अमेरिका वहां पर युद्ध करने चला गया ठीक है ना इट वॉज ब्लाइंड साइडेड बाय द यूनिपोलर ह्यूब्रिस् तो कहा जाता है ऑथर के द्वारा कहा जा रहा है कि इट इज़ अमेरिका वॉज ब्लाइंड साइडेड मतलब अंधा हो गया था एक तरीके से अपनी पावर में नशे में चूर हो गया था एंड अफगानिस्तान जो है इट वॉज़ इन्वेडेड मतलब इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी पावर्स ने इनफैक्ट जो ब्रिटिश पावर है उसने कई बार अटैक करने की कोशिश की पर हर बार उनको जब जब भी ग्राउंड में वॉर हुआ है तो अमेरिका के मतलब कि अफ़गानिस्तान के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी है तो कुल मिलाकर के ऑथर यही कहना चाहता है कि अमेरिका ने बिना इसकी हिस्ट्री जाने हुए कि किस तरीके से कभी भी अमेरिका कोई भी फोर्स जो है कोई पावरफुल फोर्स अफगानिस्तान को उनको लैंड वॉर में नहीं हरा सकी है सो विदाउट नोइंग दिस फैक्ट दे वेंट इन द वॉर विद अफ़गानिस्तान दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक सेकेंड मिस्टेक जो थी वो यहाँ पे देखो लिखा गया है स्ट्रैटेजिक फेलियर दिस वाज अ स्ट्रैटेजिक फेलियर जैसे तालिबान रजीम वाज टॉपिल्ड एंड अलकायदा ड्रिवन बैक इनटू द केव्स एंड माउंटेन्स यूएस ने 2001 हजार एक में सारा काम करना शुरू कर दिया था 2001 में उस समय तालिबान लगभग खत्म होने वाला था ठीक है ना एंड उन्होंने बहुत थोड़े बहुत टर्म्स से मतलब खुद को शांत रखने के लिए एग्री कर दिया था बट अमेरिका ने उस समय उनकी बात नहीं मानी तो ये स्ट्रेटेजिक फेलियर जो था यह अमेरिका का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था कि टू में जब अलकायदा इन तालिबान दोनों अपने वीकेस्ट पॉइंट पे थे तब अमेरिका ने इनके साथ कोई भी डिलीबरेशन या टॉक्स नहीं किए और उस समय इन्होंने बोला कि हम उनको पूरा खत्म कर देंगे वी विल डिस्ट्रॉय द तालिबान इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड यहां पर यह बहुत ही गलत हो गया क्योंकि तालिबान जो था वो एक इंडीजनस मिलिटेंसी थी वहां की इंडीजिनस मिलिटेंसी थी जिसकी बहुत डीप रूट्स थी अफगानिस्तान की स्पेशली पश्तून मेजोरिटी में तो दिस इज द रीजन कि इन्होंने दो में जो स्ट्रेटी बनाई इनको टॉपल करने के लिए वो गड़बड़ हो गई एंड ये सोचा कि उन्होंने

अंडरस्टूड दैट कि पाकिस्तान जो है इट इज़ हैविंग डीपली रिलेशन विद द तालिबान एज वेल तो इनके बहुत डीपर रिलेशन है तालिबान के साथ भी तो वो चीज़ मिसमैच हो गई वहां पर गड़बड़ हो गई है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोनों के साथ डबल गेम खेलता रहा इट वॉज प्लेइंग डबल गेम विद बोथ द कंट्रीज तो दिस वॉज द थर्ड मिस्टेक जहाँ पे अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान को समझने में अमेरिका से गलती हुई देन फोर्थ जो है कि अभी जो ये विड्रॉल के लिए ऑप्ट किया ये भी फेलियर है मतलब यहाँ पर आपने पहली चीज़ तो गलती कहा कि आप निगोशियशन करने लगे तालिबान के साथ दूसरी चीज वहां की जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको आपने इंक्लूड नहीं किया उन बातों में दूसरी चीज़ आप आप तालिबान को को सुपीरियर समझने समझने लगे वहां की समझने लगे की इलेक्टेड गवर्नमेंट कम इन सब चीज़ों से नुकसान ये हुआ कि तालिबान बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया और वहां पर वो अपने टर्म्स पर आपको विदड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया नाउ दे आर विड्रॉइंग ऑन द तालिबान ये जो है कि वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए बहुत खराब है और वहाँ की पीस के लिए बहुत खराब होगा क्योंकि फ्यूचर में जब अमेरिका भी वहाँ पे नहीं रहेगा तो तालिबान अपने मन का जो आएगा वो करेगा वहाँ पे सो दीज आर द थिंग्स एंड अमेरिकाज एग्जिट इट वुड डिसाइसिवली शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द फेवर ऑफ तालिबान जो ये एग्जिट है अमेरिका का दिस विल डिसाइसिवली शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ तालिबान ये चीज श्योर शोर है तो दिस इज वॉट ऑथर इज बीन आर्टिकल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम दूसरा जो हम आर्टिकल देखेंगे वो है फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज नीडेड अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि देखो आपने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गुड गवर्नेंस लाने के लिए बोला था ठीक है आपने ये सारी चीज़ें कही थी 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों को गिल्टी कहा था ऑफ इलीगली एक्सेप्टिंग डोनेशंस फ्रॉम द टू कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया हुज कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वॉज वेदांता फॉरन कंपनी तो दो में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही डेली हाई कोर्ट ने कहा था कि आप गिल्टी हो क्यों क्योंकि तो आपने ऐसी कंपनी से डोनेशन लिए हैं जिसका कंट्रोल एक फॉरन कंपनी के हाथ में है ठीक है ना फिर इन्होंने क्या किया दिस वॉज एज पर फॉरन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन प्रोविजन था कि अगर आप आप इस तरीके से लेते हो जिसका के हाथ में है तो आप वो इलीगल क्या किया आई इनकी बीजेपी गवर्नमेंट आई तो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एज वेल अब इसमें इन्होंने ये प्रोविजन हटा दिया मतलब कि अब अगर कोई कंपनी का कंट्रोल फॉरन कंपनी ऑपरेट कर रही है मतलब uh, अगर वो कंपनी इंडिया बस में ऑपरेट कर रही है तो फिर ये जो है पैसा ले सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा है तो दिस इज रिटन अर्लियर अ फॉरन कंपनीज और कंपनी वेयर द कंट्रोलिंग स्टेक वॉज हेल्ड फॉर अ फॉरन कंपनी इट कुडेंट कंट्रीब्यूट बट नाउ दे कैन अब वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियाज पोलिटिकल पार्टीज कुड कुटिकली भी फुल्ली फंडेड बाय अ फॉरन कंपनी मतलब अब रियल रूल ऐसा है कि फुल्ली फंडेड भी अगर फॉरन कंपनी है मतलब फॉरन की एंटिटी से फंड हो रही है कोई इंडियन कंपनी फुल्ली फंडेड भले हो रही है भले वो शेल कंपनी क्यों ना हो लेकिन आप उससे डोनेशन ले सकते हैं पहले ये प्रोविजन नहीं था ठीक है ना इसके अलावा दो हज़ार सत्रह में फाइनेंस ने कहा कि जो एनोनिमस कैश डोनेशन है उनको हम बीस हजार से घटा करके दो हजार कर देंगे ठीक है अब इससे भैया इन्होंने बोला कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी ये सारी चीजें आएगी ठीक है ना लेकिन वहीं पे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर के आ गए एनोनिमिटी का दूसरा नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें आप कुछ नहीं बता सकते कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना डोनेशन किया है पहले रूल ये था कि केवल प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज ही कंट्रीब्यूट कर सकती हैं बाद में ये रूल आ गया कि लॉस मेकिंग एंटिटी भी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं ऑल दीज थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली पहले मतलब इतनी एनोनिमिटी भी नहीं थी बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने के बाद काफी ज्यादा अनोनिमिटी जो है वो मिल गई है टू द पोलिटिकल पार्टीज uh, um, I mean, uh, के पास इन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह भी कहा गया कि नाइन सिक्स परसेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन अब देखिए पोलिटिकल पार्टीज डू नॉट नीड टू डिस्कलोज दर इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स उनको डोनर्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है पोलिटिकल पार्टीज आर नॉट इवन सपोज टू नो देर इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स दिक्वायरमेंट इज द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट टोटल ऑफ ऑल डोनेशन रिसिड बाई इलेक्टर बस उनको टोटल बताना पड़ता है मतलब कि आप इंडिविजुअल किससे ले रहे हो कहाँ से ले रहे हो ये सब बताने की जरूरत नहीं है तो काफी ज्यादा ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि काफी ज्यादा इसमें अनोनिमिटी है एंड इसमें एक रूलिंग पार्टी जो है सब उसी के फेवर में डोनेशन करते हैं इनफेक्ट रिपोर्ट में जैसा मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पता चला कि नाइनटी फाइव परसेंट ऑफनेशन वर्क फॉर द रिपोर्टिंग फॉर द रूलिंग पार्टी तो हर जो डोनेशन uh, है वो रूलिंग पार्टी को अपने फेवर में करना चाहते हैं सो फॉर दैट रीजन दिस वॉज देर एंड

आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी तो कि यहाँ पे न्यूज़ आइटम्स हैं आगे देख लेते हैं स्टेट्स टू अनइक्वल सप्लाई ऑफ वैक्सीन तो यहाँ पे हर स्टेट को अलग अलग सप्लाई मिली है दैट इज़ द रीज़न वाई कई स्टेट्स परेशान भी हो रहे हैं है ना आगे देख लेते हैं कौन से कौन से इंपॉर्टेंट है हाँ स्टेटमेंट बाय नेटो इज अ स्लैंडर चाइना तो अब यहाँ पे नेटो के बारे में आपको बताता हूं नेटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है याद रखिएगा इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है इसको वाशिंगटन ट्रीटी के द्वारा स्टेबलिश किया गया था इट वॉज स्टैब्लिश बाय द वॉशिंगटन ट्रीटी दैट इज अगेन यू शुड रिमेंबर देन दिस ट्रीटी वॉज साइंड ऑन फोर्थ अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन फोर्थ अप्रैल नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसको साइन किया गया था देन यहाँ पर याद रखेगा इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसल्स बेल्जियम में है द देडक्वार्टर वॉज इन वेल्जियम बेल्जियम एंड इसका जो आ, इसका जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो थर्टी हो चुका है थर्टी कंट्रीज़ आर मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप इसको याद रखेगा एंड कोई भी कंट्री अगर इसके ऊपर अटैक होता है अगर नेटो मेम्बर है तो बाकी सारी कंट्रीज मिल करके उसके ऊपर अटैक करती हैं दिस इज़ द थिंग ताइवान रिपोर्ट्स लार्जेस्ट इंकर्जन बाय द चाइनीज फोर्सेज ताइवान ने कहा है कि 28 चाइनीज एयर फोर्स क्राफ्ट जो थे चाइनीज एयर फोर्स एयरक्राफ्ट जो थे दे वर इंक्लूडिंग फाइटर एंड न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स दे इंटर द ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन अगर आपसे ए डी आई जेड पूछता है कोई ए डी आई जेड अगर कोई पूछता है इसको बोलते हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन और ये कहाँ पर ताइवान और चाइना के बीच में है ताइवान खुद को अलग बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है आप सबको पता होना चाहिए आर ओ सी बोलता है लेकिन चाइना बोलता है कि देर इज ऑनली वन चाइना इसी को हम बोलते हैं वन चाइना प्रिंसिपल ठीक है one China principle. ना दिस इज नोन एज द वन चाइना प्रिंसिपल आप इसको याद रखेगा दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन इज परस स्पाइक इन द बॉन्ड यील्ड अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना ठीक है ना कंसेप्ट क्या है देखो बॉन्ड क्या होता है बॉन्ड होता है सिंपल सी बात है कि मैंने आपसे सौ रुपए लिए अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ठीक है भाई एक साल के बाद मैं आपको एक सौ पाँच रुपये लौटाऊंगा आई विल रिटर्न यू वन हंड्रेड एंड फाइव रुपीज मतलब आपसे सौ रुपए लिए एक साल टाइम पीरियड के लिए लिए और मैंने आपको बोला कि एक साल के बाद मैं आपको एक सौ पाँच रुपए लौटाऊंगा तो अब इसमें देखो चीजें क्या क्या हो गई तो बॉन्ड तो एक इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी हो गया बॉन्ड सिंपल सी बात है इंस्ट्रूमेंट टू बोरो मनी हो गया इंडिया में उसको हम गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की का बॉन्ड है तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं यूएसए में उसी को हम ट्रेजरी बोलते हैं और यूके में उसी को हम गिल्ट्स बोलते हैं गिल्टस बोलते हैं ठीक है ना इसको याद रखेगा अब देखो बॉन्ड यील्ड क्या होता है बॉन्ड यील्ड वो रिटर्न परसेंटेज है जो हमको मिल रहा है जैसे हंड्रेड रुपीज हमने दिए हंड्रेड एंड फाइव हमको रिटर्न मिल रहा है ठीक है ना ये मिल रहा है हमको कैसे इसमें क्या है फाइव परसेंट हमको मिल रहा है तो ये जो फाइव परसेंट है ना ये आपकी बॉन्ड यील्ड कर रहा है कहलाती है और ये जो शुरू का हंड्रेड रुपीज था ना ये इसका बॉन्ड प्राइस कहलाता है दिस इज नोन एज द बॉन्ड प्राइस दिस इज नोन एज व्हाट बॉन्ड प्राइस सिंपल थी अब अब और एक चीज समझना अब एक चीज आप ये समझेंगे कि जो आपका बॉन्ड इल्ड है उसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ तो जो शुरुआत में आपको सपोज एक करिए कि आपको सौ रुपये फेस वैल्यू का दस साल का एक आपने बॉन्ड लिया हंड्रेड रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू उसको फेस वैल्यू बोलते हैं इसको सौ रुपये का था और दस साल के लिए था कूपन पेमेंट रुपीज़ फाइव थी मतलब ये कूपन पेमेंट फिक्स रहती है रुपीज़ फाइव रुपीज़ फाइव कूपन पेमेंट फिक्स रहती है ठीक है ना तो बायर क्या करेगा दस साल के बाद जब रिटर्न करेगा तो हंड्रेड फेस वैल्यू हंड्रेड फेस वैल्यू प्लस ये कूपन पेमेंट फाइव रुपीज तो हंड्रेड एंड फाइव रुपीज रिटर्न करेगा ठीक है ना अब जब वो हंड्रेड एंड फाइव रिटर्न करेगा तो जो फाइव परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आया इफेक्टिव रेट एंड इंटरेस्ट क्या फाइव परसेंट तो ये आपका क्या कहलाया ये आपका बॉन्ड ईल्ड कहलाई तो फाइव परसेंट इज द बॉन्ड ईल्ड नाउ सपोज सपोज करिए कि लेने वाले बहुत मतलब ये अकेला बॉन्ड है सपोज ये अकेला बॉन्ड है और लेने वाले ज्यादा लोग हैं अकेला बॉन्ड है और लेने वाले ज्यादा लोग हैं सपोज करिएगा ठीक है ना तो अब ऑब्वियस बात है सौ का बॉन्ड कुछ लोग उसमें बोलेंगे कि हमको भाई एक सौ दस रुपए में दे दो नाउ गिव अस दिस एट हंड्रेड एंड टेन रुपीज अब अगर सपोज करिए एक सौ दस में हमने दिया तो मैंने बताया सौ रुपए जो है इनिशियल बॉन्ड प्राइस कहलाता है इसे फेस वैल्यू बोलते हैं तो क्या हुआ कि सिंस लेने वाले जो थे वो ज़्यादा लोग थे बट बॉन्ड कम था इसकी डिमांड बढ़ गई जब डिमांड बढ़ गई तो इसकी प्राइस बढ़ गई तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन कूपन पेमेंट पाँच परसेंट पाँच रुपये ही रह गया कूपन पेमेंट आपका पाँच रुपये ही रह गया जो पहले था तो सपोज करिए कि पहले सौ रुपए में आपको पांच रुपए मिल रहे थे अर्लियर यू वर गेटिंग हंड्रेड अर्लियर हंड्रेड रुपीज ना यू आर गेटिंग ओनली फाइव रुपीज फॉर हंड्रेड एंड टेन रुपीज तो बॉन्ड प्राइस तो इंक्रीज हुई लेकिन बॉन्डील्ड अब आप आपकी फोर पॉइंट फाइव परसेंट होगी मतलब कि पहले जो सौ रुपए में पांच रुपए मिल रहे थे अब आपको एक सौ दस रुपए में पांच रुपए मिल रहे हैं मतलब कि बॉन्ड इंटरेस्ट नेट कितना हो गया फोर 4.5 परसेंट तो कुल मिलाकर के मतलब क्या निकला कि अगर बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है ये फैक्ट याद कर लोग सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये फैक्ट याद रखना कि व्हेन बॉन्ड प्राइस इंक्रीजेस बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस सिंपल सा बात सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है व्हेन बॉन्ड प्राइज देन बॉन्ड यील्ड डिक्रीजेस सेम चीज़ अगर देखें तो जब इंटरेस्ट रेट लो है मान लो बाहर का इंटरेस्ट रेट कम है मतलब जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज है तो ऑब्वियस बात है अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से आउटसाइडर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो लोग बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जब लोग बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो धीरे धीरे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है तो जब बाहर के इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है लेकिन बॉन्ड ईल्ड घटती है समझ गए ना जब बाहर के इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई क्यों क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि बॉन्ड प्राइस बढ़ने से बॉन्ड ईल्ड घटती है तो कुल मिला जब इंटरेस्ट घटता है तो बॉन्ड ईल्ड डिक्रीज होती है लेकिन बॉन्ड प्राइस बढ़ता है और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड ईल्ड बढ़ती है बॉन्ड ईल्ड बढ़ती है तो अब मुझे आप बताएं कि इन्फ्लेशन के समय इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है घटाया जाता है कॉमन सेंस है इन्फ्लेशन के समय इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है इस कारण से यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल रहा है बॉन्ड ईल्ड में आई होप आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ इससे अच्छा आपको मैं इतनी गारंटी नहीं लेता लेकिन हाँ मैं अपने तरफ से शुरू किससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा दो बार आप सुनना ध्यान से सुनना चीज़ें को आपको आ जाएगा सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड ईल आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगर आप बोलेंगे तो मैं दोबारा अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस चीज पर लेकिन यहाँ पे आप सुनो याद रखने के लिए आपको बस याद रखना है कि जब बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगी मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया दूसरा फंडा क्या है जब इंटरेस्ट रेट घट रहा था तो बॉन्ड ज़्यादा लुकरेटिव दिखते हैं वहाँ पे ऐसे में बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होने लगती है लेकिन बॉन्ड यील्ड घट जाती है और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड कम फेवरेबल हो जाएगा तो बॉन्ड प्राइज घटेगी लेकिन उसका ईल्ड बढ़ जाएगा है ना ईल्ड बढ़ जाएगा तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ आई ट्राइड माई बेस्ट अगर नहीं समझ आता तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा लेट मी टेल यू आंसर फॉर टूडेज क्वेश्चन आज के सवालों के आपको जवाब दे देता हूं पहला पूछा था ऑपरेशन ओलिविया के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ आर करेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का है और ऑलिव रिडली के लिए ठीक है ना दूसरे स्टेटमेंट के दोनों स्टेटमेंट गलत है टूलू एक द्रविडियन लैंग्वेज है ना कि इंडो आर्यन लैंग्वेज और ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि केरला कर्नाटका में बोली जाती है दूसरी चीज ये बाईस लैंग्वेजेस इंक्लूडेड भी नहीं है ठीक है ना सिंपल सा आंसर वर्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एड उंडेशन निकालता है तो दैट इज द थिंग दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू नाइस डे